हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी जो हर संडे की संडे वे टॉक सीरीज प्रसारित होती है उसके 16वें भाग के अंदर। जो हम वे टॉक सीरीज लेती लेके आता हूँ मैं, वो बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल होती है और उसके अंदर कई रोगों का एक साथ हमें नॉलेज भी मिल जाता है। इसलिए यदि अभी आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो वेट टॉक सीरीज होती है ये लंबी ज़रूर होती है थोड़ी, लेकिन इसको स्किप करके ना देखें। आपके लिए एक एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए आप जो हर संडे संडे वेट टॉक सीरीज होती है इसको पूरी देखा करें, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल है। और इसी तरह से आप जो देख रहे हैं वेट टॉक सीरीज को, इसी तरह से आप रिस्पॉन्स देते रहें क्योंकि आप अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। अब मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मिथिलेश कुमार का। वो कहते हैं सर, मेरी गाय 4 दिन से बैठी हुई है, वो ऊँट नहीं पाती और बच्चा देने वाली है 10-12 दिन में, क्या करें? बिहार से हूँ। देखो भाई, जो आपकी गाय उठी है इसकी बहुत से कारण हैं कि आपकी गाय कैसे नहीं कैसे बैठी है, क्या रीज़न हो सकता है, या कैल्शियम डिफिशेंसी हो सकती है, या मल्टीविटामिन डिफिशेंसी हो सकती है, या नर्वाइकल डिजीज़ हो सकती है, बहुत से ऐसे कारण हैं। और इसका अभी तक साइंटिस्ट जो हैं इसकी रिसर्च करें अभी तक पता नहीं लगा पाए कि जो गाय जो बैठती है उसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। ये देखो मैं है जो बात आपको क्लियर बता रहा हूँ इसके बारे में। कई कई बार तो ऐसा होता है कि पशु लगातार जैसे 15 से 20 दिन या 1-1.5 महीने भी बैठा रहता है फिर भी पशु खड़ा हो जाता है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पशु कितना ही बड़ा ट्रीटमेंट कर ले लेकिन पशु खड़ा नहीं हो पाता और लास्ट में उसकी डेथ ही होती है। तो इसका अभी तक क्लियर जो रिजल्ट है, क्लियर जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक पता नहीं है। लेकिन फिर भी जो आप हमारे पशुओं को जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उनमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके तौर पर यदि मैं बताऊंगा तो यदि आप अपने पशुओं को सबसे पहले तो जो बायर कंपनी का एक वाइजेस्ट आती है ये 50 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशु को कम से कम 10 दिन दें जो वाइजेस्ट आती है। इसी प्रकार वाइजेस्ट के अलावा जो एक मेनकाइंड की न्यूरोकाइंड प्लस आती है, क्या पता नर्वाइकल डिजीज हो या मल्टी विटामिन डिफिशेंसी हो, तो ये जो 100 ml सुबह और 100 ml शाम को पर डे के हिसाब से न्यूरोकाइन प्लस आप अपने पशु को देना है। और साथ ही साथ पाउडर में यदि मैं बताऊं तो इसको क्या देना है, जो नेचुरल रेमडीज का आता है इनोकाल प्लस, ये 50 ग्राम पर डे के हिसाब से जो इनोकाल प्लस है ये पाउडर आप अपनी जो गाय है उसको देना ही देना है। ये तो आपको ला करके आप अपनी गाय को खिलाएं हो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी गाय को। और साथ ही साथ जो इंजेक्शन आता है मिकोवेट अक्सल, केरस कंपनी का मिकोवेट अक्सल, ये 15 से 20 ml पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन लगाएं। जो भी आप अपने पशु चिकित्सक है नज़दीक उससे सलाह लेकर के और ये इंजेक्शन लगवाएं। मैं जितने भी आपको इंजेक्टेबल बताता हूँ वो आप पशु चिकित्सक की देखरेख में ही लगाएं। और जो लिक्विड और पाउडर बताता हूँ, बोलस बताता हूँ, वो मेरी भी बताई हुई अनुसार आप उसे दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको ये बता दिया। और साथ ही साथ उसे ड्रिप भी लगवा सकते हैं, जैसे इंटालाइट है या कोई और प्रॉब्लम है वो आपको नज़दीक, लेकिन जितना हो सके आप पशु चिकित्सक को दिखाएं। और लेकिन जो पाउडर और मैंने लिक्विड बताएं ये आप अपनी गाय को ज़रूर दें, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपका, मुझे पता है जहाँ तक। और साथ ही साथ उसकी जो चैन पोल लेके उसे सुबह शाम एक्सरसाइज भी करवाएं, यानी सुबह शाम उसे उठाएं चैन पोल से उठाएं ताकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे इसके लिए आपको थोड़ा गर्म पानी गर्म करना है, उसमें थोड़ी लहसुन की 1 पोथी डालनी है, थोड़ा सरसों का तेल, ये तीनों मिक्स करके एक थोड़ा सा घोल बनाना है और उसे आप अपने पशु की जो पैर हैं उसकी थोड़ी मसाज करनी है। पैर की मसाज क्या है, ऊपर से करनी है, जहाँ से जॉइंट है वहाँ से मसाज करनी है, ऐसे दोनों तरफ नहीं रखनी है, ऊपर से नीचे लानी है। ये तो आपको मसाज करनी है, लगातार करनी है आपको, यानी आप थोड़ी आपको ज़रूर थोड़ी प्रैक्टिस उसके साथ करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी जो गाय है वो ज़रूर खड़ी हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है सत्यजीत कुमार का, गाय को AI करवाने के बाद फीड में क्या दें और क्या बंद करना है? देखो भाई, गाय को क्या दें और क्या फीड देना है? देखो, जब भी नेचुरल गर्भाधान या करवाते हैं हम आर्टिफिशियल या जो नेचुरल गर्भाधान है तो करवाने के बाद आप अपने पशुओं को कम से कम 3 से 5 दिन ध्यान रखें। एक तो एक साथ आप बहुत ज़्यादा बांटने के लिए, यानी पशु आहार थोड़ी मात्रा कम दें। यदि आप अपने पशुओं को पशु आहार 5 kg दे रहे हैं तो उसमें 3 kg दें, यानी 2 kg कम कर दें। और जहाँ तक हो सकता है उसको हरा चारे है वो ज़्यादा दें, देने की कोशिश करें। और सूखा चारा और हरा चारे का अनुपात आप 40 और 60 का अनुपात रखें AI करवाने के बाद, ताकि आपके पशु को हरे चारे से उसे मल्टी विटामिन फाइबर्स मिलते रहें। और
एआई करने के कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वरना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और जो ये गाय खड़ी नहीं हो पाती इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यानी जो जितनी मैं रोग बताता हूँ उसका नीचे लिंक मिल जाएगा, वो उस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब कुमार राजपूत कहते हैं, सर एक घोड़ी के अगले पैर से मवाद चल रहा है, ट्रीटमेंट काफ़ी हो गया बट मवाद बंद नहीं हो रहा है। देखो भाई, बट मवाद लंबे समय से यदि मवाद पस है, बंद नहीं हो रहा है, तो आपने इंजेक्शन भी लगवाए होंगे, एंटीबायोटिक भी आपने खूब यूज में ली होंगी, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप उसकी अच्छी तरह से तो ड्रेसिंग करें, जैसे पोविडिन आयोडीन से या टिंचर आयोडीन से अच्छी तरह से उसकी ड्रेसिंग करें सुबह और शाम। और रही बात उसको आप जो नेगासेंट पाउडर आता है वो पाउडर उस जो पस आ रही है उसके अंदर डालें, घाव के अंदर, और साथ ही साथ जो इंजेक्शन है वो आप अपने पशु चिकित्सक से, या आप खुद पशु चिकित्सक हैं तो जो एमोक्सिरम फोर्ट आता है विरबे कंपनी का, 4.5 ग्राम लगाना है लगातार 3 दिन, यानी ये 3 दिन इंजेक्शन लगाना है, 4.5 ग्राम 4.5 ग्राम, और जो आप पस बता रहे हो उसकी अच्छी ड्रेसिंग करेंगे और जो मैंने पाउडर वो बताएं लगाएंगे, तो जो आपकी घोड़ी का पस है वो एकदम सूख जाएगा, ये मेरा वादा है भाई। हाँ, महेंद्र पवार कहते हैं, मेरी 3 महीने की गाबिन एचएफ बछड़ी है, उसकी क्या खुराक करूँ कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए ताकि वो ब्याने के बाद ज़्यादा दूध दे, प्लीज बताना। देखो क्या है कि 3 महीने की गाबिन एचएफ, अच्छा 3 महीने की गाबिन एचएफ बछड़ी है, तो जितना हो सके आप अपने बछड़ी को अच्छा आहार खिलाएं। देखो मेरे कहने का मतलब है, जितना हो सके आप उसे हरा चारा दें, हरे चारे में बहुत ज़्यादा मल्टी विटामिन्स होती हैं, ये आप बात जरूर का ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो एक पाउडर आता है खुराक, जो एक खुराक पाउडर आता है एलएमबी कंपनी का, मैंने एक पहले वीडियो में बताया था, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा यदि इस खुराक पाउडर में होती है, तो प्रोटीन जितनी ज़्यादा मिलेगी आपके बछड़ी का, और आपकी बछड़ी का भी अच्छा डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ उसके पलने वाले बच्चे का भी अच्छा विकास होगा। और ब्याने से पहले क्या है कि आप अपने पशु को क्या देना चाहिए 2-3 महीने पहले, वो भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, आप अपनी बछड़ी को ब्याने से पहले क्या खिलाएं ताकि आपके बछड़ी को कितना दूध होगा। लेकिन ये आप जो पाउडर, ये खुराक आप जरूर दें जितना हो सके, यानी 50 से 100 ग्राम पर डे के हिसाब से दें, लगातार 1 से 2 महीने दें, अच्छा डेवलपमेंट होगा और दूध भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ इसकी वीडियो की लिंक दी हुई है, वो भी देख सकते हैं। अब कुबेर सिंह कहते हैं, सर जी पशु जुगाली करता है लेकिन चारा नहीं खा रहा है, मेडिसिन बताएं, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। देखो, जुगाली करता है लेकिन चारा नहीं खा रहा, ये बहुत सी पशुपालकों की और बहुत से लोगों की एक समस्या है कि हमारा पशु जुगाली तो कर रहा है लेकिन क्या है कि वो चारा नहीं खा रहा। इसलिए मैं आपको इसकी समस्या का मैं आज समाधान आपको कर दूंगा। देखो, सबसे पहले तो आप कौन सी देनी चाहिए, यदि जुगाली पहले तो आप उसी पशु की डिवर्मिंग कराएं, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंसी सेफ वाली डिवर्मिंग करवाएं, और नॉन प्रेग्नेंट है तो नॉन प्रेग्नेंट वाली आप जो एल्बिंडाजोल वाली वो दे सकते हो, या वरना फेनबिंडाजोल वाली। डिवर्मिंग कराने के बाद आप अपने पशुओं को जैसे एलएमबी कंपनी का पाउडर आता है, ये रूमनेपेस, ये 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन देना है, यानी ये 100 ग्राम पर डे देना है, वो लगातार कितने दिन देना है, 5 दिन देना है। और साथ ही साथ जो केरस कंपनी का आता है लेटीफिर पाउडर आता है, ये 10 ग्राम की एक पुड़ी आती है इसके अंदर, जो आपको अपने पशु को जो ये 10 ग्राम की पुड़िया है ये लगातार क्या करनी है, सुबह 10 ग्राम की पुड़िया एक और शाम को एक, लगातार आप अपने पशु को 3 दिन देना है, यानी 3 दिन जो आपको लेटीफ्यूर पाउडर और जो रूमन एफएस ये खिलाएंगे। और साथ ही साथ उसे मैं बताऊं तो जामुन सिरका उसे कितना देना है, आप उसे 100 ml सुबह और 100 ml शाम, यानी 100 ml सुबह और 100 ml शाम, लगातार 3 दिन जामुन सिरका भी उसे खिलाना है। किनके साथ, इन पाउडरों के साथ मिलाकर के आप इस जामुन सिरका को दे सकते हैं। जो आप अपने पशु की ये बता रहे हैं, जो ये कंडीशन आप बता रहे हैं कि जुगाली कर रही है लेकिन खा नहीं रही है, ज़रूर खाएगी, आप देख लेना, ये ट्रीटमेंट करके आप अपने पशुओं पर देखें। अब जुनेद जुनी कहते हैं, सर जी गाय में अबॉर्शन हो गया था लेकिन अब वो हीट में आती है बट कंसीव नहीं करती, मतलब वो
रिपीट होती है, बार बार हीट में आती है, उसका वज़न भी बढ़ गया। देखो भाई जुनेद जी, यदि आपकी गाय लंबे समय तक अबॉर्शन हो गया था, अबॉर्शन होने के बाद में आप अपने पशुओं की ज़रूर आपको वेजाइनल ड्रेसिंग करनी चाहिए, यानी उसकी ड्रेसिंग ज़रूर करवाएं, सफाई करवाएं जहाँ तक हो सकता है। इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर या नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको जो बार बार रिपीट हो रही है उसके लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ में लेनी चाहिए। अब दवाएँ यूज़ में लेने के बाद में आप पहले तो उसे पशु चिकित्सक से पहले उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग यानी उसकी सफाई करवाएं, और साथ ही साथ जो बार बार हीट और हीट में आ रही है इसके लिए आप जो यूट्रीवाइव है या कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट है वो आप 100 ml पर डे के हिसाब से 100 ml सुबह 100 ml शाम लगातार 5 दिन दें, और साथ ही साथ ये जो मल्टी विटामिन आती हैं या जितनी भी बोलस आती हैं जैसे पाउडर आते हैं मिनरल मिक्सर, मैं कह रहा हूँ कि आप जित हो सके तो आप जो पाउडर आ रहा है इसका विरबे कंपनी का चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट वो आप अपने पशुओं को दे 100 ग्राम पर डे के हिसाब से, आप अपने जो गाय है उसको लगातार 1 महीना पाउडर खिलाएं जो चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट आता है, और साथ ही साथ जो इंजेक्शन लगवाना है जब यही करवाते हो तो आप जो बुरसेलिन एसीटेट आता है जैसे गाइनेरिस आता है बुरसेलिन एसीटेट, ये आप अपने पशु को यही करवाने से 6 घंटे पहले IV 2.5 ml IV पशु चिकित्सक से लगवाएं, और फिर आप अपने पशु को यही करवाएं। यही करवाने के बाद कोरुलोन इंजेक्शन आता है वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट आती है उसकी, वो भी साथ में लगवा लें, और जितना हो सके आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर देने की कोशिश करें, जरूर समाधान हो जाएगा। अब सदाशिव कहते हैं कान बहने का इलाज बताइए। देखो भाई कान बहने का इलाज, यदि आपके पशु का कान बह रहा है तो आप जो सैलिसिलिक एसिड ईयर ड्रॉप्स आती है वो आप यूज़ में ले सकते हैं, और साथ ही जो ओफ्लोकाइंड या बीटामेथासोन या लिग्नोकेन साल्ट वाली यदि कोई भी ईयर ड्रॉप्स आपको मिले तो आप अपने पशु को कान में डाल सकते हैं सुबह शाम। अब क्या कहते हैं लक्स लक्स कहते हैं गाय को हीट में लाने के लिए कौन सा पाउडर बेस्ट है। देखो भाई लक्स लक्स गाय को मैंने जहाँ तक रिजल्ट देखा है तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखा है तो जो आप लोग जाइडस कंपनी का CRS पाउडर आता है हीट में लाने के लिए, ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम लगातार 15 दिन दें, आपका पशु ज़रूर हीट में आएगा, यानी ये CRS पाउडर दें हीट में आने के लिए बहुत ही अच्छा पाउडर है। यदि आपको जो मेरी वेटोक सीरीज यदि अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ, और ये वीडियो आप अपने पशुपालकों के साथ जो वीडियो बनाया है पशुपालकों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जहाँ तक हो सकता है आप अपने इस वीडियो को शेयर करते रहें और जितना हो सके आप मेरे को लाइक देते रहें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।